सोहा थाना क्षेत्र में ये तीन लड़कियों को उसके परिवारीजन जो है यहाँ पे जो CHC है वहाँ पे ले गए थे, और तीनों बेहोशी की हालात में थी, जिसमें से दो को ब्रॉड डेड डॉक्टर के द्वारा घोषित किया गया है और एक को हायर सेंटर रेफर किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। इसमें अभी तक जो छानबीन और सब लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान लिए गए हैं उसके आधार पे और जो डॉक्टर के ओपिनियन है उसके आधार पे कुछ घटनास्थल पे काफ़ी झाग पड़ा हुआ पाया गया है। तो प्राइमा फेसी पॉइजनिंग के भी कुछ सिम्टम्स हैं, और अन्य घटनास्थल को रिकंस्ट्रक्ट करके साक्ष्य को संकलित करते हुए और सभी के बयान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु घटना के बारे में पूरी जानकारी करके इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सर, अभी तक परिजनों से बातचीत में या ग्रामीणों से जो भी कुछ बात हुई, क्या कुछ निकल के आया है कुछ? अभी हाँ, प्राइमरी स्टेज में है सारी जो पूछताछ है, और हम लोग इसको पूरी टीमें लगा के जो है पूरा एफर्ट कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे भी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। प्राइमा फेसी बॉडी पे अभी तक कोई इंजरी मार्क्स जो है नहीं पाए गए हैं। पूरी जाँच हम गहराई से कर रहे हैं और गंभीरता से इसकी पूरी जाँच करके आगे जो भी तथ्य जैसे प्राप्त होंगे वैसे आपका अवगत कराया सर, क्या जाएगा। कुछ टीमें गठित करी गई हैं हाँ, थोड़ा सा? इसमें टीमें गठित की गई है, 6 टीमों का अभी प्रेजेंटली जो है गठन किया गया है, और ये सभी लोग जो है काम कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, गांव वालों से और अन्य जगहों से जानकारी भी की जा रही है। ये लड़कियां लगभग 3 बजे के आसपास जो है खेत के लिए जाती थी, ये इनका दिनक्रम था, और ये अपने ही खेत में जो है ये पाई गई है। तो इन सारे बिंदुओं पर जाँच करके जो है जल्दी ही इसमें हम लोग किसी निष्कर्ष तक पहुँच